तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे को लेकर शुरू हुई सियासत, विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। एक जुलाई से खुलेगी चमोली में स्थित विश्व विख्यात फूलों की घाटी। प्रशासन ने पर्यटकों के आने से पहले पूरी की तैयारी। कोरोना नियमों का कराया जाएगा सख्ती से पालन। हिंदूवादी संगठनों ने लव जिहाद मामले को लेकर पुलिस चौकी का किया घेराव। प्रशासन से लव जिहाद मामलों पर कार्रवाई करने की मांग। देश में कोरोना वायरस की वजह से हुई मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा देने का दिया आदेश। एनडीएमए 6 हफ्तों में मुआवजे की रकम तय कर राज्यों को देगा जानकारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, और बात सबसे पहले ज्वालापुर विधानसभा के ब्लॉक कोटा की, जहां पर होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर ने सभी कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस नेता ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि सभी लोग जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुने और दूर कराएं। इस मौके पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर मनोज त्रिवेदी ने कहा कि हमें मजबूती से काम करना है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जन जन की समस्या सुनने के बाद उनके निराकरण के लिए कदम उठाएं। कांग्रेस नेता एसपी सिंह ने कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर हर विधानसभा में कार्यकर्ता घर घर जाकर ग्रामीणों की समस्या को हल करें और संगठन को मजबूत करके एक साथ चलें। वहीं चमोली जिले में स्थित अपने प्राकृतिक सौंदर्य और फूलों के लिए विश्वविख्यात फूलों की घाटी को 1 जुलाई से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। नंदा देवी नेशनल पार्क के उप वन संरक्षक ने यह जानकारी दी है। वन संरक्षक नंद वल्लभ शर्मा ने बताया कि फूलों की घाटी में पॉलीगोनम घास को उखाड़ने के साथ ही पुलिया एवं मार्गों को पर्यटकों के आवागमन के लिए ठीक कर दिया गया है। घाटी में अभी लगभग 45 से भी अधिक तरह के फूल खिले हैं और हम पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार हैं, लेकिन आने वाले पर्यटकों को कोविड-19 नियमों का पालन करना जरूरी होगा। गौरतलब है कि फूलों की घाटी को हर साल जून के पहले हफ्ते में पर्यटकों के लिए खोल दिया जाता था, लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण के चलते 1 जुलाई से खोला जा रहा है। पिछले साल 2020 में भी संक्रमण के कारण पर्यटकों के लिए फूलों की घाटी को 15 अगस्त से खोला गया था। 1 जुलाई 2021 से पर्यटकों के लिए खोली जा रही है। जो भी पर्यटक आएंगे वो 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट कंपलसरी है। रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही उनको अनुमति दी जाएगी। चमोली में जो विश्व धरोहर फूलों की घाटी है, ये 1 जुलाई से पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। और जैसा कि अभी 1 जुलाई से चारधाम यात्रा भी खुलने लोगों के लिए खुलनी थी, और जो हाईकोर्ट के निर्देश पर जो वर्तमान में सरकार ने स्थगित कर दिया। हालांकि सरकार ये कह रही है कि जो हाईकोर्ट का जो फैसला है उसको उसका वो अध्ययन करने के बाद हो सकता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाए, लेकिन फिलहाल जो है कि फूलों की घाटी जो लोगों के दर्शनार्थ के लिए खोल दी गई है। पिछले साल भी यही हुआ था कि लॉकडाउन के कारण बहुत बाद में फूलों की घाटी लोगों के लिए खोली गई थी। आपको बताना चाहेंगे कि जो फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब की जो घाटी है, वहाँ पे भीड़ार गांव, वहाँ पे जो घांगरिया गांव है, वहाँ के जो लोग हैं उनकी मूल आजीविका इन्हीं दो तीर्थयात्रियों के ऊपर निर्भर रहती है कि हेमकुंड साहिब में जो वहाँ पे सिखों का जो पवित्र गुरुद्वारा है, लोकपाल तीर्थ है, वहाँ पे जो यात्रा आते हैं, इस घाटी के लोगों की जो मुख्य आर्थिकी है उसी से जुड़ी हुई है। उसी तरह से जो फूलों की घाटी है, यहाँ पर जो घांगरिया से 3 किलोमीटर की जो वैली है, उस वैली में जो पर्यटक जाते हैं वो सीमित पूर्व भी सीमित मात्रा में वहाँ से वहाँ पर्यटक भेजे जाते हैं, अनुमति होती है। और वहाँ पे जो रात में स्टे करने की है वो उनको अनुमति नहीं होती है। सीमित मात्रा में यात्रा वहाँ से पर्यटक फूलों की घाटी के वहाँ पर तमाम सौंदर्य को देखने जाते हैं और वहाँ पे वो रुकते नहीं है बल्कि वापस आते हैं। तो इसी प्रकार के जो वहाँ पे अभी वन महकमा में हैं जो जिनके अधीन वहाँ पे है, तो नंदा देवी वाल भेजकर उनके अधीन है, उन्होंने जो 1 जुलाई से वहाँ पे जो पर्यटकों के लिए घाटी खोली है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे बीच यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों से यहाँ पे जानना चाहूँगा कि जो वहाँ पे जो सरकार ने भी नंदा देवी जो वाल फेस कर जो वन महकमा है उन्होंने जो फूलों की घाटी को लोगों के जो पर्यटकों के लिए खोला है, तो आप क्या कितना खुश हैं कि जो वहाँ पे जो स्थानीय लोगों के लिए इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा, जो पर्यटक आएंगे तो उनकी आजीविका मिलेगी, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए आपको मैं के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड की चार धाम बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री आप जानते हो कि विश्व प्रसिद्ध धाम है हमारे और यहाँ के पर्यटन व्यवसाय का ये रीढ़ की हड्डी है और बीच में सरकार की गाइडलाइन आई थी कि ये जिन जिलों में जो धाम है उनसे जुड़े हुए जिले के लोग जो है उन धामों में यात्रा कर सकते हैं, किंतु बीच में फिर कोरोना के केस के चलते जो है ये निर्णय स्थगित करना पड़ा और इसमें बार सरकार जो है हाईकोर्ट में गई, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी हो रही है। लेकिन ये भी जरूर जानना होगा कि वर्तमान में जो कोविड-19 का जो दौर चल रहा है उसको देखते हुए सबसे पहले मनुष्य का जीवन है और यदि सरकार अच्छी बात है अगर वहाँ पर सरकार की व्यवस्थाएँ चार चौबंद है, मेडिकल की पूरी व्यवस्था है, आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच अगर होती है और सरकार वहाँ पर ग्रुप एक निश्चित संख्या में इन धामों में आदमी को भेजती है, वहाँ से उनको वापस सुरक्षित वापस लौटा सकती है, लौटाने का काम करती है, तो ठीक है। कहीं ना कहीं जो है पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग और जो लोग जिन लोगों की आजीविका केवल पर्यटन पर है उनको भी जो है रोजी रोटी उनकी चलेगी। बिल्कुल आपका कहना ठीक है, सरकार की मंशा भी कहीं ना कहीं यही दिखती थी कि चार धाम यात्रा को सीमित उन्हीं जनपदों के लोगों के लिए खोली जाए कि ताकि अनावश्यक भीड़ ना हो और जो कोविड का जो गाइडलाइन है उसका भी अनुपालन हो, सरकार की भी ये मंशा थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया है तो वर्तमान में अभी वो अध्ययन के दौर से गुजर रही है सरकार और सरकार अध्ययन करने के बाद ये भी आज मीडिया में आया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी करेंगे। तो दूसरे हमारे साथ एक और यहाँ पे स्थानीय हैं रामानंद भट्टी, मैं आप इसे जानना चाहूँगा कि जो वर्तमान में चार धाम यात्रा तो स्थगित हो गई है लेकिन जो फूलों की घाटी है वो 1 जुलाई से पर्यटकों के लिए खोली जानी है और आपको मैं ये भी बता दूं कि चार धाम यात्रा में और फूलों की घाटी की जो यात्रा है उसमें बहुत अंतर होता है। चार धाम यात्रा में काफ़ी जो सैकड़ों के लाखों की तादाद में भीड़ होती है, उस ढंग का भीड़ फूलों की घाटी में नहीं होती, यहाँ पर सीमित मात्रा में पर्यटक भेजे जाते हैं और वहाँ से वापस लाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उस क्षेत्र के जो घाटी के लोग हैं उन घाटी के लोगों के लिए बहुत ही उत्तम बात है कि वहाँ पर ये फूलों की घाटी में पर्यटक आए और उनकी आजीविका बढ़े। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो स्थानीय लोगों के लिए जो यहाँ पे रोजी रोटी का जो साधन मुहैया होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे स्थानीय को? मैं सबसे पहले आपको इस मुद्दे को उठाने पर प्राइम टीवी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप निरंतर क्षेत्र में बने हैं और आप जनता की समस्याओं को देख रहे हैं। लेकिन जो यात्रा की बात है इस समय, तो सरकार ने एक अच्छी पहल की थी कि स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन खोल दिए जाएंगे, लेकिन ये कोविड-19 की बीमारी को देखते हुए हाई कोर्ट ने जो है स्टे जो किया है उसमें रोक लगाई है कि बिना RT-PCR के लोग नहीं जाएंगे और बीमारी भी न बढ़े, और ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी हमारे दूसरे भाई ने कहा था कि आज ज्ञान बचाना बहुत ज़रूरी है, ये भी ठीक है, लेकिन के साथ साथ सरकार की जो पहल थी कि फूलों की घाटी में और ये बद्रीनाथ केदारनाथ चारों धाम यात्रा के लिए जो खोलना, वो अच्छी सराहनीय पहल थी और इसे होना चाहिए था। सवाल ये है कि क्या जो फूलों की घाटी में पर्यटकों के लिए अनुमति मिल गई है तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी जिनकी रोजी रोटी इन दो तीर्थों पर रहती है, हेमकुंड साहिब, लोकपाल तीर्थ और फूलों की घाटी, तो क्या वहाँ पे वहाँ के लोगों की आजीविका बढ़ने के आसार हैं आपको? बिल्कुल उनकी आजीविका बढ़ेगी। और आपको मैं ये बता दूँ भिंडार में जो फूलों की घाटी में जो लोग वहाँ से विदेशी पर्यटक आते हैं वो लोग उन्हीं पर आश्रित होते हैं और कई हमारे कर्मचारियों की ड्यूटी भी वहाँ लगी रहती है। हमारे कई, मैं आपको भी बता दूं कि मैं युवा कल्याण विभाग से हूँ, हमारे कई PRT के जवान वहाँ पर ड्यूटी के लिए लगे हैं, लेकिन सरकार का अभी जो पहली तारीख को वहाँ पर ड्यूटी थी, हमारे कुछ लोग गोविंद घाट में और बद्रीनाथ में ड्यूटी लग चुकी है, लेकिन यात्रा बंद होने से हमारे लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। PRT के जवान, होमगार्ड के जवान बद्रीनाथ और केदारनाथ में, गोविंद घाट में वहाँ पर ड्यूटी के लिए पहुँच चुके हैं। सरकार की अच्छी पहल थी कि लोगों को रोज़गार मिले। धन्यवाद आपसे PRT के ब्लॉक कमांडर रामानंद भट्ट, और आपने अपनी चिंता भी जाहिर की कि आपके जो जवान PRT और होमगार्ड के जवान थे वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और फूलों की घाटी में ड्यूटी पर तैनात कर दिए गए थे, और कहीं ना कहीं उन जवानों के ऊपर भी हताश वो जवान भी हताश होंगे कि वो जो चार धाम यात्रा स्थगित होगी और वर्तमान में जो फूलों की घाटी में जो जवान PRT या होमगार्ड के जवान वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था में, चार चौपन व्यवस्था में लगे होंगे, तो उनको कहीं ना कहीं फूलों की घाटी में जो यात्रा आवाजाही होगी उससे उम्मीद बंधेगी। तो हम भी चाहते हैं कि सरकार का जो फैसला है उसको स्थानीय लोग भी माने, जो गाइडलाइन से उनका पालन करते हुए बरकरार रहे। तो प्राइम टीवी के लिए चमोली से सुरेंद्र नाथ की रिपोर्ट। वहीं लालकुआ के अम्बेडकर नगर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में 77 लाख की लागत से 2 मंजिला भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस भवन के निर्माण कार्य के होने से क्षेत्र के स्कूली बच्चों को फायदा होगा।
क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका निर्माणाधीन भवन का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच की। नवीन चंद्र दुमका ने संबंधित विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार को निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को क्षेत्रीय जनता की तरफ से धन्यवाद देते हुए कहा कि लोगों की मांग पर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में भवन निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका लाभ इलाके के बच्चों को आने वाले समय में जरूर मिलेगा। ये बिल्डिंग 77 लाख रुपए की लागत से विद्यालय के लिए बन रही है। ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रदत्त पैसा होता है और ऐसी बिल्डिंग मेरी विधानसभा में इस समय लक्ष्मपुर में, गौजाली में, लालकुआ में, पुराना बिंदुखेड़ा में बन रही हैं और धौलाखेड़ा की बिल्डिंग का अभी भूमि पूजन करके भी आया हूँ। रुड़की में नवनिर्मित विकासखंड कार्यालय का झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल ने उद्घाटन किया। विकासखंड कार्यालय के भवन को ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा 90,14,000 की लागत से किया गया है। इस मौके पर भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने कहा कि सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। आए दिन झबरेड़ा विधानसभा में सड़कों के उद्घाटन हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके प्रस्ताव पर ही राज्य योजना से खंड विकास कार्यालय की बिल्डिंग को तैयार किया गया है। भाजपा विधायक ने कहा कि जब वो विधायक बने थे तब विधानसभा के सभी गांव में कच्ची सड़कें थीं, लेकिन आज हालात बहुत बदले हैं। सभी गांवों में पक्के मार्ग और सीसी रोड बना दिए गए हैं। कोई गांव ऐसा नहीं बचा है जहां विकास ना हुआ हो। इसके साथ ही विकास कार्य निरंतर जारी है। गौरतलब है कि इस बिल्डिंग का लोकार्पण बीते 4 जून 2021 को प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा किया गया था। ये बहुत छोटा था और जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, तो इसलिए इस बिल्डिंग की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि गांव के सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो ग्राम प्रधान है, बीडीसी है, जिला पंचायत है, माननीय विधायकगण है, सांसदगण है, जो इस डेवलपमेंट कार्यालय से जुड़े हुए हैं, वो सभी यहां पर बैठक में आते थे। हमने देखा कि बैठक के लिए जगह भी बहुत छोटी थी, वहां पर प्रधान और बीडीसी की जब बैठक होती थी उसमें नहीं आ पाते थे, इसलिए इसकी बहुत आवश्यकता थी। और ब्लॉक क्षेत्र पंचायत के डेवलपमेंट में ये बिल्डिंग मील का पत्थर साबित होगी। सभी अधिकारियों को, कर्मचारियों को इसमें बैठ करके। वहीं बहादराबाद के हजारा ग्रंट के राजकीय जूनियर हाईस्कूल में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर सख्त कार्रवाई की गई है। प्राइम टीवी पर खबर चलाए जाने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया है। बेसिक जिला शिक्षा अधिकारी विद्याशंकर चतुर्वेदी की निगरानी में एक जांच कमेटी बनाई गई है। इस मामले की जांच में वो जांच कर रही है, जिसकी प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। विद्याशंकर चतुर्वेदी ने बताया कि प्रधानाध्यापिका मंजू रानी के विरुद्ध जिस तरह की शिकायत और प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, उनमें प्रधानाध्यापिका मंजू रानी की स्थिति संदेह के घेरे में है, जिसमें कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से प्रधानाध्यापिका मंजू रानी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए आदेश दे दिए गए हैं। जाँच प्रक्रिया अभी चल रही है। जाँच के अनुसार यदि मामले में और भी कुछ तथ्य छुपाए गए हैं और जाँच अधिकारी उपखंड शिक्षा अधिकारी के सामने आते हैं तो शिक्षा विभाग की ओर से प्रधानाध्यापिका के खिलाफ संबंधित थाने में FIR कर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। दरअसल इंटर कॉलेज की प्रधानाध्यापिका मंजू रानी ने स्कूल के अध्यक्ष से 8,000 रुपये के चेक पर साइन कराकर 80,000 रुपये बैंक से निकाल लिए। मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने जांच शुरू की तो मंजू रानी की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके आधार पर उन्हें निलंबित कर दिया गया है। हजारा ग्रंथ के विषय में जो शिकायत प्राप्त हुई थी अवरा अली की, उसने उप शिक्षा अधिकारी बहादराबाद को जांच सौंपी गई थी। उनकी जांच रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है और उस जांच रिपोर्ट में उप शिक्षा अधिकारी ने, जांच अधिकारी ने वित्तीय अनियमितता की आशंका। प्रदेश में लव जिहाद का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहादराबाद थाना इलाके में कई हिंदू संगठनों ने लव जिहाद के मामले को लेकर शांतर शाह पुलिस चौकी का घेराव किया। हिंदुवादी संगठनों का दावा है कि इलाके में कई ऐसे होटल और लॉज हैं जहां पर लव जिहाद का खेल चल रहा है। ये होटल लव जिहाद में शामिल लोगों को कमरे देते हैं और उसे बढ़ावा दिलाने में साथ दे रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर प्रशासन इन लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं करता है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस
स्थानीय यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा एक जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ एक क्लासिक रेस्टोरेंट है और उसमें जो है कहीं ना कहीं लव जिहाद को बढ़ाने के जो संकेत मिल रहे थे काफ़ी दिन से। आज कार्यकर्ता द्वारा एक जानकारी प्राप्त हुई कि एक हिंदू बालिका है, उसके साथ कोई मुस्लिम लड़का है जो उसको वहाँ होटल में लेके आया हुआ है क्लासिक रेस्टोरेंट। तो कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठे हुए और हमारे सहयोग के लिए बजरंग दल भी, हिंदू परिषद भी, हम लोग सब इकट्ठे होकर वहाँ पहुँचे और हमने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस वहाँ पर पहुँची और उन लोगों को यहाँ चौकी में लाया गया। लेकिन अभी वही विकासनगर इलाके में यमुना नदी पर बनाए जा रहे 120 मेगावाट क्षमता के जल विद्युत परियोजना का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक आसपास के लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर बांध प्रभावित पिछले 28 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब एक महीना गुजरने के बाद भी लोगों की समस्याएं जस की तस हैं, जिससे नाराज होकर लोगों ने जल विद्युत निगम कार्यालय डाक पत्थर के गेट पर ताला लगा दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बांध प्रभावितों का कहना है कि लखबाड़ व्यासी परियोजना का काम 90% से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन लोहारी गांव के प्रभावितों की कोई भी मांग पूरी नहीं की गई है। लोगों ने प्रदर्शन के दौरान सरकार से गांव के हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो देहरादून मुख्यालय पर तालाबंदी भी की जाएगी। विकासनगर तहसील क्षेत्र के यमुना नदी पर बन रही 120 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना का काम अंतिम चरण में है और 90% अभी काम हो गया है और मात्र 10% काम होना है। यहां पर मैं अपने कैमरामैन से बताता हूं कि जो बांध प्रभावित हैं उनके मांगों पर अभी तक उनका विस्थापन नहीं हो पाया है और आज जो वो लोग हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, सब जो यहाँ पर इस जल विद्युत निगम के मुख्य कार्यालय पर धरने पर बैठे हुए हैं, अपने विस्थापन की मांग को लेकर बच्चे महिलाएं सब बैठी हुई हैं। लगभग 28 दिन बांध स्थल पर इन लोगों को धरना करते हुए हो गया है, लेकिन संबंधित विभाग, शासन प्रशासन तक इनकी आवाज नहीं पहुंची है और ये लोग चाहते हैं कि सरकार हमें हमारा विस्थापन करें और हमें जो है अच्छी जगह पर कहीं हमारा हमको जो है अपने आशियाना बनाने के लिए कहीं पे जमीन दे। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने हमें केवल आश्वासन दिया है, निकट अंबाड़ी के नज़दीक रेशम विभाग की जो जमीन है उसको देने का वादा किया था, लेकिन वो जमीन भी इनसे नहीं मिल पाई है और यहाँ पर जो विस्थापित हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार जो है प्रभावित हैं, क्यों जो धरने पे बैठे हुए हैं, क्यों सरकार उनकी मांग नहीं सुन रही है। ये मेरा नाम दिनेश तोमर, हाँ, ये ब्यासी परियोजना से हमारा लोहारी एक गांव ऐसा है जो पूर्ण रूप से विस्थापित हो रहा है और ये हसन 72 से चला रहा है ये चीज़, और अभी जो 2013 से फिर काम चालू हो गया है, सात साल हो गए हैं यहाँ काम चलते चलते, लेकिन सरकार हमारी कुछ नहीं सुन रही है और इस वजह से हम जो है बांध स्थल पर 27 दिन से धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आज हमने तालाबंदी का प्रोग्राम बनाया था यहाँ पर, लेकिन इस अंधी सरकार ने, बहरी सरकार ने, गोंगी सरकार ने आज कोई छुट्टी न होने के बावजूद भी छुट्टी करवा दी ऑफिस में जो है। ऑफिस में कोई अधिकारी नहीं बैठा हुआ है, वो मौज कर रहे हैं पीछे जो है गेस्ट हाउस में, वहाँ जाके बैठे हैं वो लोग। यहाँ ऑफिस में तालाबंदी कर दी है, छुट्टी कर दी है। हम चाहते हैं कि 3 जनवरी 1917 को जो पूर्व सरकार ने कैबिनेट में एक फैसला लेके आई थी कि इनको रेशम विभाग जीवनगढ़ अंबाड़ी में इनको जमीन के बदले जमीन दी जाए, लेकिन वो जमीन के बदले नौ जमीन दी गई है। कुछ पहले वाली गवर्नमेंट का भी चला गया, पूरा 5 साल चले गए। ये जो वर्तमान में जो गवर्नमेंट है उसके भी 5 साल खत्म होने को है, लेकिन वो जो है अभी तक जमीन कहाँ देगी, कहाँ नहीं देगी, देगी 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 तो कब देगी, कुछ पता नहीं है जो है। आगे क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? अब हम ये है, अभी हम आज यहाँ धरने पे बैठे हैं, यदि ये हमारे मांगों को फिर भी नहीं मानते हैं तो हम जल्द गाँव जो मुख्यालय है महारानी बाग में, हम वहाँ धरना देंगे। सचमुच विस्थापित जो मुआवजे के लिए या अपने विस्थापन के लिए जिन लोगों का जो ये आक्रोश आज मुख्य कार्यालय तक पहुँचा है, इन लोगों का विस्थापन अगर नहीं होता है तो ये उत्तराखंड राज्य के देहरादून मुख्यालय पर भी धरने को मजबूर होंगे। इन लोगों का एक लोगों का लोग जिद पे अड़े हुए हैं कि सरकार और शासन प्रशासन विभाग को हमारी मांगों को सुनना होगा। अब देखना है कि आने वाले समय में इन बांध विस्थापितों की मांग को शासन प्रशासन जल विद्युत निगम पूरा करता कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। उत्तराखंड से प्राइम टीवी विनोद रोथाण की ये रिपोर्ट। वहीं पिरान गलियर क्षेत्र के बेड़पुर गांव में लगातार हो रही बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान है। लोगों का कहना है कि हर दिन
शाम के वक्त 5 से 6 घंटे के लिए बिजली कटौती की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में पिछले 20 दिनों से लगातार कटौती की जा रही है। लाइट ना आने के कारण छोटे छोटे बच्चे और ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर अधिशासी अभियंता रुड़की के पास पहुंचे, लेकिन अधिकारी से मुलाकात ना होने के चलते लोगों ने अपनी शिकायत को डाक द्वारा अधिकारियों तक पहुँचाया। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव की बिजली को इमली फिटर से जोड़ा जाए, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो सभी लोग मिलकर अधिशासी अभियंता रुड़की का घेराव करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। बेड़पुर में पिछले 20 दिन से लाइट की इतनी ज्यादा कटौती की जा रही है कि बच्चे और बूढ़े बेइंतहा परेशान, लगभग 10-10 घंटे के लिए लाइट की कटौती की जा रही है। पिछले एक हफ्ते से शाम को 4 बजे लाइट भागने के बाद और रात भी 10:30 बजे लाइट आई और बच्चे भी और बूढ़े भी बहुत। वहीं नगीना कॉलोनी बचाव संघर्ष समिति के शिष्टमंडल ने लालकुआं तहसील कार्यालय पहुंचकर उप जिलाधिकारी मनीष कुमार सिंह से मुलाकात की। शिष्टमंडल ने SDM को रेलवे प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई के बाद उत्पन्न हुई समस्या से अवगत कराया, जिस पर SDM ने पुलिस प्रशासन को साथ लेकर रेलवे प्रशासन की तरफ से की गई कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई। इसके साथ ही कोतवाली को भविष्य में बिना किसी निर्देश के रेलवे कार्रवाई में सहयोग न करने की हिदायत दी। उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि बिना जिला प्रशासन के जांच किए रेलवे प्रशासन द्वारा नोटिस चस्पा कार्रवाई करना गलत है। उन्होंने कहा उनकी रेलवे प्रशासन से बात हुई है, जिसमें रेलवे ने बताया कि उक्त भूमि रेलवे की है और स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके चलते जमीन की जरूरत है, इसलिए जमीन को खाली कराया जा रहा है। SDM ने रेलवे को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि पहले वो जिला प्रशासन के सामने अपना नक्शा रखे कि भूमि उसकी या नहीं, इसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। रेलवे प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्यवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उप जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन पूरी तरह से नगीना कॉलोनी वासियों के साथ है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले में रेलवे प्रशासन से बात की जाएगी। वहीं तीर्थ नगरी में शराब का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस की सख्त कार्रवाई के बाद भी शराब तस्कर जिले में सक्रिय हैं। ताजा मामला ऋषिकेश के श्यामपुर तिराहे का है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान गाड़ी से 10 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की। शराब बरामद होने पर पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान तस्कर ने पुलिस को बताया कि वो इससे पहले गढ़ी श्यामपुर में 6 पेटी शराब उतार कर आया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी चालक की निशानदेही पर गढ़ी श्यामपुर पहुंचकर जगमोहन कलूड़ा के घर से 6 पेटी शराब बरामद की, लेकिन आरोपी जगमोहन मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। प्रदेश में DGP महोदय के आदेश अनुसार जो अभियान चलाया जा रहा है ड्रग्स माफियाओं के और शराब तस्करों के खिलाफ, उसके अंतर्गत ऋषिकेश में लगातार कई कार्रवाई की जा रही है। आज ये बड़ी कार्रवाई करते हुए गाड़ी सहित 16 पेटी शराब बरामद की गई है। ऋषिकेश और रायवाला क्षेत्र में मोबाइल चोरी और लूट की 2 घटनाओं का पुलिस ने खुलासा कर दिया। बता दें कि पिछले दिनों ऋषिकेश के शांति नगर में देर रात एक घर से मोबाइल चोरी और रायवाला क्षेत्र में मोबाइल लूट की वारदात हुई थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने 2 आरोपियों को मोबाइल चोरी और लूट के आरोप में गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। चोरी की घटनाओं का इतने कम समय में खुलासा करने वाली टीम को SSP ने बधाई दी है। पिथौरागढ़ में TSDC इंडिया लिमिटेड धौली गंगा घाटी को विकसित करने की तैयारी है। इसके लिए कंपनी धौली गंगा पर बोकाइंग बेलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निर्माण की तैयारियों में जुट गई है। TSDC इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विजय गोयल ने कंपनी की भावी योजनाओं का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि राज्य में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए नए पावर प्रोजेक्ट निर्माण की योजना है, जिसमें पिथौरागढ़ स्थित धौली गंगा में 330 मेगावाट के बोकाइंग बेलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए भूगर्भीय और पहाड़ी संरचना की जांच कराई जा रही है। नरेंद्रनगर इलाके में लोग बिजली पानी और मोबाइल नेटवर्क की समस्याओं को लेकर काफ़ी दिनों से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जब से यहां मोबाइल के टावर लगे हैं तभी से नेटवर्क की समस्या है। इसके साथ ही जैसे ही बारिश की संभावना होती है बिजली काट दी जाती है। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते हमेशा खतरा बना रहता है, क्योंकि कई जगहों पर बिजली के तार पेड़ों पर बंधे हुए हैं। लोगों का कहना है कि हर घर जल नल योजना शोपीस बनकर रह गई है। पेयजल पाइपलाइन हवा में झूल रही हैं, सूखे नल बिछा दिए गए हैं मगर उसमें से पानी की बूंद तक नहीं आती है। इस लचर व्यवस्था के खिलाफ पट्टी दोगी के युवा केंद्रीय स्थल पर लोग 11 दिवसीय धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है।
इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, नमस्कार।